ऊपर जाके मिल रहा था, आज ये यहीं पे खड़ी है हमारे स्वागत के लिए। देख लो, स्वागत है। इतने फेमस हो गए हम भैया, हमें अब गेट पे ही लोग लेने आने लगे हैं, समझे? देख रहे हो ना, यूट्यूबर होने का जलवा, अब हर कोई हमारे वीडियो में आना चाहता है भैया। देखो आज बिग फैन। वो देखो आज लियो भी आया है यहाँ पे, बिग फैन। वो भी चढ़ा हुआ है साथ, पूरा पूरा फैमिली एक साथ है। चलो फिर घर हम चलते, इसको जल्दी चेंज करते क्या अभी। शाउट आउट ऑफिस से, जस्ट अभी घर आया हुआ हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा चेंज करना है, फिर उसके बाद लंच करना, फिर ऑफिस जाना है। नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का आधा दिन जा चुका है, मॉर्निंग कुछ था नहीं करने को, इसके लिए अभी आफ्टरनून ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। तो अभी बीच में डायलॉग भूल गया था, अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो अभी तो लंच का टाइम हो गया, तो ये लोग भी आए हुए हैं आज, जैसे बताया मैंने, लियो भी आया हुआ है, दीदी भी आई हुई है। तो अभी लंच का टाइम है, जल्दी से लंच करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देख लो मेरे आने से पहले कैसे चले गए छत में। हाँ मैं आऊंगा तब तक छत में जाओगे, मेरे बिना अकेले अकेले छत में क्या कर रहे हो? आउट हो आ रहा हूं। वाह सामने पूरा जोत दिए हैं। और आप यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हैं मैडम? क्या देख रहे फोन में आप? हाँ फेसबुक दिन भर बस फेसबुक। हाँ मैडम जी का नया रील फेसबुक में डाले हो? हाँ जब जाच लगा तो भाई लग चलो। ओके ये अमरकंटक का है, अमरकंटक आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना होगा तो ये हमारे यहाँ एक स्पिरिचुअल प्लेस है, बहुत प्यारा प्लेस है, लोग बाहर बाहर से आते हैं। और अगर आप लोगों ने अमरकंटक के बारे में नहीं सुना है तो एक सबसे बड़ी बात अमरकंटक की ये है कि जो नर्मदा नदी है, आप लोगों ने डेफिनेटली नर्मदा नदी का नाम तो सुना होगा, तो जो नर्मदा नदी है उसका बोला जाए तो स्टार्टिंग उद्गम जो बोलते हैं हिंदी में, वही से अमरकंटक से ही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अगर जनरल नॉलेज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वही है। क्या बोल रहे? और आज बाहर जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो आधा घंटा नहीं 15-20 मिनट मस्त पानी गिरा है, इसी की वजह से पूरा मौसम ठंडा हो गया। बट ज़्यादा देर ये ठंडा नहीं रहेगा क्योंकि इतने हॉट लोग जो बाहर हैं तो गर्म हो जाएगा। और वो ज़मीन जो दिख रही है पूरा, अभी इसको जोते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर भैया लगाएंगे। ये घर है भैया का, हमारे यहाँ के उप सरपंच है, और ये पूरा ज़मीन उन्हीं का है। यहाँ पे लग रहा है आम का बागान, मैंने दो तीन दिन पहले बोला था। और यहाँ पे पूरा अभी कुछ ना कुछ लगाने वाले फसल, अब पता नहीं क्या लगाएंगे। तभी मैं सोचूं कि आज मैडम झूले में ना बैठ के यहाँ पे क्यों बैठी हुई थी, इसके ऊपर बैठी हुई थी, झूले में नहीं बैठी हुई थी। बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं लोग। और क्या कॉन्स्पिरेसी है पता है? कॉन्स्पिरेसी ये है कि झूले पे पूरा, अभी बारिश बताया ना, बारिश हुआ है तो इस पे पूरा पानी है अगर दिख रहा हो तो। और ये चाह रहे हैं कि मैं इस झूले में बैठ के उस पानी को सुखा दूं और उसके बाद फिर ये बैठ सके। तो मैं बोल रहा हूँ यार अंदर से कपड़ा पर ले आओ ना, कुछ तो ले आओ, हो जाएगा अंदर कपड़े होंगे। मैडम अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि हम लोग ठंडी नहीं गर्मी में तो एसी चला के रूम के अंदर सोते हैं तो ठंडा होता है, तो ठंडी में भी हम लोग एक काम कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ठंडी में हम लोग एसी चला के इस एक्सटर्नल के सामने भी सो सकते हैं, तो ठंडी में तो ये गर्म हवा देगा और गर्मी में ये मतलब रूम के अंदर ठंडा देता है। एसी जाके छाते लेके देखो, है ना? अच्छा आइडिया। हाँ तो ठंडी में उल्टा कर सकते हैं हम लोग, ठंडी में एसी के जो इंटीरियर इंटरनल जो रहता है उसको बाहर कर देंगे और इसको अंदर कर लेंगे। अच्छा आइडिया है, इसको आजमाना पड़ेगा। हीटर लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो तो हीटर है तो हीटर भी जला सकते हैं, लेकिन ये भी तो किया जा सकता है, इसको भी आजमा सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम नहीं पता अभी 7-8 साल के भी नहीं हुए होंगे, 5-6 साल के बच्चे हैं। और ये लोग सब सिगरेट, यार सिगरेट पी रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं मुंह से।
इसमें इतना जूम भी नहीं हो रहा कि मैं दिखाऊं, लेकिन सब ये छोटे छोटे बच्चे जो बनियान पहना हुआ है ये सब ही लोग। यार तो छोटा बच्चा था जो खाते हैं, क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते हैं अपन। अब उनके माँ बाप ही जब नहीं ध्यान दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे तो क्या बोलेंगे। तो इस टाइम पे लियो यहाँ पे रहता ही नहीं छत में, आज पहली बार आ रहा है क्या मेरे को लग रहा है छत में इस टाइम पे। इस टाइम पे है तो हमेशा शाम को चला जाता है। आज लियो घर पे रात में भी रुकेगा, वैसे दीदी और लियो चले जाते हैं हमेशा रात को चले जाते हैं, लेकिन आज लियो और दीदी रात को रुकेंगे। तो लियो की ये लास्ट इच्छा भी थी कि स्कूल खुलने से पहले एक बार यहाँ पे रात रुकना है, तो इसकी इच्छा आज पूरी हो रही है। इसीलिए तो मैं चुपके चुपके आया था ताकि तुमको पता ना चले, तुम तो वैसे ही डरपोक हो, तुम अगर बाजू में खड़े हो जाओगे तुरंत डर जाओगे। पानी का बॉटल लिया, मैं पानी का बॉटल खोज रहा था वहाँ पे रूम में। अभी क्या बन रहा बताओ, क्या ये? ये है पानी का हलवा। तो पानी तो ऑलरेडी डाल चुके हो, सब मेरे एडिटिंग रूम में बैठे हुए हैं। और ये भूत के जैसे बोलता है एकदम, जैसे भूत के पिक्चरों में जैसे बच्चे लोग बोलते हैं वैसे ही बोलता है एकदम। फाइनली अभी डिनर टाइम हो रहा है, डिनर चल रहा है, लास्ट प्रोसेस। बाहर का मौसम आज काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, इसलिए खिड़की खोल कर रखा था, लेकिन अब एसी चलाना है करके इसको बंद तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी इस कपड़े से ही, चद्दर से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में क्या होता है ना कि बहुत लाइट हो जाता है तो फिर सुबह सुबह आँख में लगने लगता है और फिर नींद टूट जाती है, इसलिए उसको अभी वैसे ही लगा के रखा चद्दर को। और यहाँ पे कुछ दिन बाद वो डार्क आउट वाला जो कर्टन्स आते हैं ना, या फिर वो जो बाहर में फ्लिप जो वैसे स्ट्रिप्स वाले रहते हैं जो ऐसे खींचने से ऐसे सो जाते हैं, पता नहीं उसका नाम क्या है, देख रहा था मैं, भूल गया हूँ नाम, तो वो लगा देंगे तो लाइट भी फिर नहीं आएगा, तो उसको हटा देंगे वहाँ से। तो एनीवे ये पड़े हुए हैं, तो आज का दिन भी निकल चुका है, रात के 11 बज चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और इधर लाइट जला देते हैं, थोड़ा सा और ग्लो आएगा, हो गया, बहुत लोग हो गया यार। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना, चैनल पर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, वो लाल कलर का बटन है उसको बस दबा देना। ओके चलो इतना ही बोलना है, कल फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से जल्दी से, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा। चलो टाटा, नींद नहीं आ रहा है, हैं इतना रात हो गया है, आँखों में नींद ही नहीं बिल्कुल, अभी भी नाच रहा है, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है अंदर में, हैं बता नहीं इन लोगों को, अपने से आज तक तो नींद आई ही नहीं। लोग तो भैया जब छोटे थे तो रात को शाम को टीवी देखते देखते ही सो जाते थे, और इन लोगों के आँखों में तो इतना, मतलब आज तक मतलब मैंने देखा नहीं कि इन लोग कभी अपने सो गए हों।
कुछ करते हुए, टीवी देखते हुए, कुछ भी करते हुए, पता नहीं किस तरह के बच्चे आजकल के टाइम के होते हैं। सोते ही नहीं। अब दही लोग।